给我清楚。कुछ नहीं आचार है, बस लक्ष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हमने जब से थनानंद के विरुद्ध धमाके के साथ युद्ध की घोषणा की है, मानो सारा संसार हमारे विरुद्ध हो गया। जहां भी दृष्टि डालते हैं बाधा ही बाधा, हर और चारों ओर। बाधा कोई भी हो उसका एक ही उपयोगी पक्ष होता है, जब कभी वो तुम्हारे सामने आए उसे पार करो और बढ़ो आगे। साहसी योद्धा को कोई भी बाधा भयभीत नहीं करती, अपितु उसे बड़ा बनाने के लिए बारंबार चुनौती बनके उसके समक्ष आती है। तो करो चुनौतियों का सामना। मानता हूं आचार्य, हर बात मानता हूं, किंतु हम कब तक ही मारे मारे फिरेंगे आचार्य? आज स्थिति यह है कि कोई भी जनपद हमारी सहायता को तैयार नहीं, अभी तो सभी हमारे प्राणों के पीछे पड़े। हम बस स्वयं को बचाते हुए यहां से वहां भाग रहे हैं मारे मारे। कब तक भागते फिरेंगे? और हाल ही में क्या हुआ? उस राजा ने जिसने हमें मंत्रणा के लिए बुलाया था, छल निकला उसका निमंत्रण, हमें पकड़वाने के लिए एक घृणित जाल। ऐसा तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, कोई भी हमें घेर सकता है, यहां बैठे बैठे डाल सकते हैं घेरा। तो क्या शांत बैठे निराश हो जाए? नहीं चंद्रगुप्त, हमें इन संकटों का सामना हर क्षण करना पड़ेगा। क्या हुआ आचार्य? तुम सब जानते हो, कुटिलता से अपने स्वप्न को पूरा करने का मेरा प्रण। क्या हुआ चंद्र? कुछ नहीं आचार्य, लक्ष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हमने जब से थनानंद के विरुद्ध धमाके के साथ युद्ध की घोषणा की है, मानो सारा संसार हमारे विरुद्ध हो गया। जहां भी दृष्टि डालते हैं बाधा ही बाधा, हर और चारों ओर। बाधा कोई भी हो उसका एक ही उपयोगी पक्ष होता है, जब कभी वो तुम्हारे सामने आए उसे पार करो और बढ़ो आगे। साहसी योद्धा को कोई भी बाधा भयभीत नहीं करती, अपितु उसे बड़ा बनाने के लिए बारंबार चुनौती बनके उसके समक्ष आती है। तो करो चुनौतियों का सामना। मानता हूं आचार्य, हर बात मानता हूं, किंतु हम कब तक ही मारे मारे फिरेंगे आचार्य? आज स्थिति यह है कि कोई भी जनपद हमारी सहायता को तैयार नहीं, अभी तो सभी हमारे प्राणों के पीछे पड़े। हम बस स्वयं को बचाते हुए यहां से वहां भाग रहे हैं मारे मारे। कब तक भागते फिरेंगे? और हाल ही में क्या हुआ? उस राजा ने जिसने हमें मंत्रणा के लिए बुलाया था, छल निकला उसका निमंत्रण, हमें पकड़वाने के लिए एक घृणित जाल। ऐसा तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, कोई भी हमें घेर सकता है, यहां बैठे बैठे डाल सकते हैं घेरा। तो क्या शांत बैठे निराश हो जाए? नहीं चंद्रगुप्त, हमें इन संकटों का सामना हर क्षण करना पड़ेगा।
क्या हुआ आचार्य? तुम सब जानते हो कुटिलता से अपने स्वप्न को पूरा करने का मेरा प्रण। किंतु अब भी कुटिलता से मेरा हृदय कलुषित नहीं हुआ, मेरा हृदय अब भी निर्मल है। इसलिए अखंड भारत को बनाने के मैंने सुप्रयास किए हैं, किंतु अब लग रहा है कि सत्ता की लालच में डूबे ये राजा मुझे चलने नहीं देंगे सुपथ पर। जब तक अखंड भारत का निर्माण न कर लो, कुचल दूंगा अपनी आत्मा की निर्मलता को अपने अंतर्मन से। जानते हो एक सीधा साधा व्यक्ति कब बोलता है झूठ? जब उससे सच बोलने के सभी विकल्प छीन लिए जाएं। कुटिल मार्ग पर कब चलता है कोई? जब लोभी लोग सभी चलने के सुमार्ग बंद कर देते हैं उसके लिए, क्योंकि वे अपने अपने स्वार्थ से ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर सोच ही नहीं पाते मातृभूमि के लिए। याद है चंद्रगुप्त, एक बार मैंने तुम्हें गुरुकुल के एक कक्ष में बंद कर दिया था, तब कोई मार्ग ना देख तुम छत से होकर मेरे पास आए थे। ये होती है वांछित फल पाने के लिए सोच नीति। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद हर मार्ग अपनाऊंगा। साम अर्थात समझाकर फुसलाकर, दाम अर्थात उत्कोच घूस देकर, दंड अर्थात बल का प्रयोग, हमारी बात ना समझने वाले को दंड देकर, और भेद विरोधियों में फूट डालना, उन्हें आपस में लड़वाना और अपना कार्य। अब मैं जो चाहता हूं उसे प्राप्त करने के लिए इन चारों नीतियों का प्रयोग होगा। इन नीतियों से होगा अखंड भारत का निर्माण। लक्ष्य ही वहां तक पहुंचने के मार्गों और उपायों की सार्थकता को सिद्ध करता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य न्याय संगत है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो मार्ग भी तुम अपनाओगे उसे तर्क संगत ही माना जाएगा। मार्ग की शुद्धता के लिए हट, मात्र अक्रमण्य बुद्धिजीवियों का निकम्मापन है, और मैं ना तो अक्रमण्य हूं और ना ही निकम्मा।